أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة صلوات بيجد محمد عزیزان محترم بس چند منٹ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے تمہارا ذکر عبادت ہے کوئی عبادت ہے رسول کہہ رہے ہیں اے علی تمہارا تذکرہ عبادت ہے کوئی عبادت ہے رسول وجہ بیان کر رہے ہیں لِأَنَّا ذِكْرِ ذِكْرَهُ اے علی تمہارا ذکر میرا ذکر ذکری ذکرو ذکر اللہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ذکر اللہ العبادہ اور اللہ کا ذکر عبادت ہے یعنی بات علی سے شروع ہوتی ہے علی سے نبی تک جاتی ہے نبی سے خدا پہ جاتی ہے خدا پہ جا کے عبادت بن جاتی ہے کوئی بندہ ایسا تو ہو کہ جس کا ذکر خالی اس کا ذکر نہ ہو اس میں ذکر علی بھی چھپا ہو ذکر نبی بھی چھپا ہو ذکر خدا بھی چھپا ہو اور عبادت بھی چھپی ہو عزیزان محترم نماز عبادت ہے رمضان کے روزے عبادت ہیں حج عبادت ہے مگر ہر عبادت کے لیے وقت مقرر ہے سن مقرر ہے سال مقرر ہے عمر مقرر ہے مہینہ مقرر ہے لباس مقرر ہے قربان جائیے ذکر علی کے نہ وقت کی ضرورت نہ سن کی ضرورت نہ سال کی ضرورت نہ عمر کی ضرورت نہ جگہ کی ضرورت جس کا دل چاہے جب دل چاہے جہاں دل چاہے یہ عبادت کر کے
अपनी भी आखिरत सवार ले, दूसरे की भी आखिरत। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजान मोहतरम अली, क्या शान है मेरे मौला अली की, क्या मंजिलत है मेरे मौला अली की, क्या मर्तबा है मेरे मौला अली का, क्या अखले बशर हैरान है। 1400 बरस हो गए, आज जमाने की सब मोहतरम। खैर बकरी थी, जानवर आ गया था, जानवर है कहीं भी आ सकता है। सब मिलके बाबा से बुलंद सलवात भेजे। आप हजरत बैठ जाइए, बहुत देर नहीं पढ़ूंगा। आप हजरत बैठ जाइए बस थोड़ी देर। अजीदान मोहतरम, क्या शान है मेरे मौला अली की, के ये ऐन लाम ये तीन हरफों का मजमुआ नहीं है, बल्कि खुदा की कसम ये मौजदा है। मैदान इल्म के सबसे बड़े आलिम का नाम अली, मैदान शुजात के सबसे बड़े शुजा का नाम अली, मैदान सखावत के सबसे बड़े सखी का नाम अली, मैदान जोहद के सबसे बड़े जाहिद का नाम अली, मसनद कदा के सबसे बड़े काजी का नाम अली, मिंबर कूफा के सबसे बड़े खतीब का नाम अली। लोग कहते हैं कि अली ने तमन्नाएं की, हमारे अली ने कोई तमन्ना नहीं की। रसूल ने कहा कि अली तुम्हारी मिसाल काबे किसी है, जैसे काबा हाजियों के पास नहीं जाता वैसे अली फजीलतों के पास नहीं जाते, फजाइल चल के मेरे मौला तक खुद आते हैं, फजाइल चल के मेरे मौला तक खुद आते हैं। ए अली तुम्हारी मिसाल काबे किसी है, उधर काबा है इधर अली है, अली फजीलतों पास नहीं जाते, काबा हाजियों पास नहीं जाता। सुनिए, अली को बिस्तर रसूल की तमन्ना या बिस्तर रसूल को अली की तमन्ना, अगर से अली खुद से आके सो जाए बिस्तर पर तो अली को बिस्तर की तमन्ना, अगर रसूल कहें या अली आज की रात मेरे बिस्तर पर सो रहो तो बिस्तर को अली की तमन्ना, अली को जुल्फ़िकार की तमन्ना या जुल्फ़िकार को अली की तमन्ना, अगर से अली कहें कि या अल्लाह जुल्फ़िकार भेज तो अली को जुल्फ़िकार की तमन्ना, अगर जिब्राइल ला फता इल्ला अली कहते हुए आए तो जुल्फ़िकार को अली की तमन्ना, अली को आलम की तमन्ना या आलम को अली की तमन्ना, अगर से अली मांगने जाए तो अली को आलम की तमन्ना, अगर नादे अली पढ़ के बुलाए जाए तो आलम को अली की तमन्ना, अली को काबे की तमन्ना या काबे को अली की तमन्ना, किसको किसकी तमन्ना। उधर काबा, सुनिएगा दीदार मोहतरम, इधर अली है, काबा कहता है हम हाजियों पास नहीं जाते, अली कहते हैं कि हम फजीलतों पास नहीं जाते। अली की तमन्ना काबा या काबे की तमन्ना अली, अगर फातिमा बिनते असद दरवाजे से जाए तो अली को काबे की तमन्ना, अगर दीवार
अजीदाना मोहतरम, अली के माने बुलंद के। देखिए बारिश आए तो बैठे रहिए, इसलिए कि आप 72 ताबूत में आए, आप उठिएगा ना जरा सभी। हम कहते मौला हम करबला में होते तो जरा सी बारिश की फुहार में उठना जाइएगा, वरना वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जाते हुए दिखाई दे जाइएगा। तो अजीदाने मोहतरम, आलम यह है कि अली के माने बुलंद, काबे के माने बुलंद, नजफ के माने बुलंद। अरबी डिक्शनरी को खोलिए, अली के माने देखिए, काबे के माने देखिए, नजफ के माने देखिए, तीनों के माने बुलंद के हैं। यानी अली वो आफ्ताब है जो बुलंदियों से निकला, बुलंदियों में उभरा, आज तक बुलंदियों में चमक रहा है। अजीजान मोहतरम, काफिले के काफिले नजफ और करबला की सिम जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है जो नजफ से करबला पैदल चल रही है। मैं बस अपनी तकरीर को तमाम कर रहा हूँ, इसलिए कि मौसम भी ख़राब है और अभी 72 ताबूत भी बरामद होना है और अंजुमनहाय मातमी को नवा खानी भी करना है। लिहाजा मुझे इसका ख्याल है और दूर दूर से हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई इस जुलूस हमारी में, इस 72 ताबूत में शिरकत करने के वास्ते आए हैं। अल्लाह मौलाना अकबर अली साहब को सलामत रखे, तो जो यहाँ गोपर इस शानदार तरीके से ये प्रोग्राम करते हैं, खुरब जवाब से कसीर तादाद में मोमिनीन आते हैं। हाँ अजीज़ों, आप अपने घरों से चल के यहाँ तक आए, हुसैन की दुखिया माँ देख रही होगी, इसलिए कि सिया लिबास पहने हुए, मातम करते हुए, दिल गमजदा, आँखों से आंसू, सीने पर हाथ, एक ही आवाज़, हाय हुसैन, हाय हुसैन, अल्लाह अल्लाह। एक दोपहर में हुसैन ने 72 लाशें उठाए। अजीजो, कल मैं शिवली में अमारी में ये बात पढ़ रहा था, यहाँ दोहरा दूँ आदमगढ़ में, कि 72 ताबूत कई 100 लोग मिलके उठाते हैं। एक ताबूत को कम से कम 4 लोग मिलके कंधा देते हैं। उस बेकस पर हमारा सलाम जिसने सुबह से शाम तक 72 लाशें उठाए। आप सुबह से आए हुए हैं, आप थके तो नहीं हैं? आपके खाने का भी इंतज़ाम है, पानी का भी इंतज़ाम है, चाय का भी इंतज़ाम है। पूरी बस्ती के मोमिनीन ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं कि अदादार आ रहे हैं, कोई प्यासा तो नहीं है। हाय करबला, इतने बड़े मजमे में अगर कोई प्यासा हो तो हमें बताओ कि फुला शख्स प्यासा है, उसको पानी नहीं मिला। यहाँ हजारों हैं, कोई प्यासा नहीं है। करबला में करोड़ों हैं मगर कोई प्यासा नहीं है। मगर उसको क्या कहें कि जो अपने बच्चे को लिए कह रहा था, ए जालिमो इसे पानी पिला दो। आसमान पर पानी घिरा खड़ा है, पानी तो रोज बरसता है। 72 ताबूत साल में एक दफा उठते हैं। अगर हम इस दुनिया में न रहे तो मौला मेरा सलाम ले लेना। हुसैन रुखसत हो रहे हैं, आज 16 सफर है, 4 रोज के बाद प्यासे का चहलुम है। उसका चहलुम
जिसका पहला चेलुम करबला में न हो सका। अल्लाह अल्लाह, बहन की तमन्ना थी कि भाई का चेलुम बड़ी शान से करूंगी, भाई का चेलुम बड़ी शान से करूंगी। मेरी बीबियों, मेरी माओं, मेरी बहनों, दूर दूर से आने वाली जब ये बीबियां मजलिस में आती हैं और छोटी बच्ची की उंगली पकड़ के लाती है तो हमें सकीला बहुत हमें सकीना बीबी बहुत याद आती है। ए सकीना, चलो बीबियों जरा दहने बाए देखती रहना जब बैठी हो, ऐसा ना हो हुसैन की माँ भी 4 बरस की बच्ची को लेके आई हो। सकीना चलो, अल्लाह अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद है। पहला चेहलुम तो हुआ नहीं मगर दूसरा चेहलुम बड़ी शान से हुआ। काफिले के काफिले करबला जा रहे हैं, करोड़ों की तादाद में लोग करबला पहुंच चुके हैं मगर आज करबला में सोने का गुंबद है, सोने के मनारे हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह की सदा है मगर जाहिर जब करबला पहुंचता है तो दिल पर चोट लगती है। जब हुसैन का सोने का गुंबद देखता है तो संगदिल से संगदिल रो देता है, कहता है अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। यह आपको मालूम है आज करबला में करोड़ों हैं, कल जब बहन आई थी तो कोई नहीं था। रेत घर में करबला पर प्यासों की कब्रें बनी थी, जैनब ने कब्र हुसैन पर अपने को गिराया, ए भैया जैनब आ गई। आके बीबियों ने खूब गिरिया किया, चौथे इमाम ने एक एक कब्र का तारुफ कराया। ये पाई ने पाली अकबर सो रहे हैं, ये बाबा के सीने पर मेरा 6 महीने का भाई अली असगर सो रहा है, ये गंजे शोहदा में शोहदा आराम कर रहे हैं। एक एक कब्र का तारुफ कराया। जब जैनब ने खूब गिरिया कर लिया तो अली की बेटी उठी, कहा मेरे लाल सैयद सज्जाद, मेरे पर्दे के मुहाफिज अब्बास को कहाँ सुलाया, मेरा अब्बास कहाँ सो रहा है। कहा फूफी अम्मा अब्बास जरा दूर आराम कर रहे हैं। कहा मेरे लाल मुझे ले चलो, मैं अब्बास की कब्र पर चलना चाहती हूँ। आगे आगे सैयद सज्जाद चले, पीछे पीछे सैदानियाँ चली। दरिया के करीब आके चौथे इमाम रुके, एक नन्ही सी कब्र थी, मैंने पढ़ दिया आपने सुन लिया। खाली तसव्वुर की निगाहों से देखिए, जो अब्बास इतना बुलंद हो उनकी कब्र छोटी कैसे है। जैनब ने चौथे इमाम से कहा कि मेरे लाल मेरा भाई तो बुलंद कद का था, जब वो रहवार पर बैठता था तो उसके पैर जमीन से खत देते थे, ये तो किसी बच्चे की कब्र मालूम होती है। तो चौथे इमाम ने कहा फूफी अम्मा, जब मैं चचा के लाशे को दफन करने दरिया पर पहुंचा तो जालिमों ने मेरे चचा के बाजू कलम कर दिए थे, सर तन से जुदा कर दिया था, लाशे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मैंने एक नन्ही सी कब्र बनाई, चचा के लाशे के टुकड़ों को कब्र में रखा। बस जैनब ने बीबियों को जमा किया, सर के बाल बिखराए, कब्र अब्बास को घेरा। अब्बास तुम यहाँ सो रहे हो, जैनब बाजारों में गई, दरबारों में गई, ए अब्बास बाजुओं में रस्सियां बांधी गई, ए अब्बास सर से चादर छीन ली गई।
ए अब्बास सकीना को शाम के कैद खाने में छोड़ के आ रहे अला लानतुल्लाह अलल खम्स Yeah.